सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, ठीक है। और हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल, ठीक है। ये जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा मुश्किल से शूट हो रहा है क्योंकि आज फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग मार रहा है और पता नहीं, जब भी मैं वीडियो को मतलब एंड करने वाला बटन दबाता हूँ तो फ़ोन हैंग मार जाता है और वीडियो सेव नहीं हो पाती। तो अब मैंने ओपन कैमरा डाउनलोड करा फाइनली, तो इससे थोड़ा सा आपको फ़र्क पता चल रहा होगा पहले की वीडियोज़ में अभी के वीडियोज़ में, ठीक है। तो चलो आज की इस वीडियो को यहीं पर, इस ब्लॉग को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दूं कि सीन ये है कि अब देखो हम तैयार व्यार हो चुके हैं, अब जा रहे हैं मामा के यहाँ क्योंकि आज मकर संक्रांति है। हमेशा मकर संक्रांति हम मामा के यहाँ बनाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे दही बल्ले और मुंगावड़े जो मैंने कल ब्लॉग में खाया था और खिचड़ी उचड़ी सब बनी होती है, तो वहाँ पर जाएंगे। अभी जा रहे हैं, सब लोग तैयार व्यार हो चुके हैं, बस तो चलो चलते हैं। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं मामा के यहाँ, मम्मी पीछे पीछे आ रही हैं, अरे भाई मेरा तो बहुत ठंड लग रही है इसलिए मैंने कैप लगा ली है, घोरा वाला बच्चा लग रहा हूँ, नीली हुडी के साथ नीला मास्क थोड़ा सूट भी कर रहा है। तो चलते हैं मामा के यहाँ, देखते हैं क्या बना है। A few moments later. So guys, अभी हम मामा के यहाँ से घर जा रहे हैं वापस क्योंकि राशन वाले का कॉल आया है कि राशन ले जाओ, तो सिर्फ मैं जा रहा हूँ, मम्मी प्रिंस वहीं पे हैं मामा के यहाँ, वो लोग मज़े कर रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ राशन लेने। घर पे और अकेला हूँ मैं घर पे, तो सबसे पहले तो मुझे अपनी राशन की पर्ची निकालनी है और फिर चलना है डायरेक्ट राशन लेने। लेकिन मैं बता दूँ कि कल से मतलब मैं वहाँ पे वैक्सीन लगा के आया हूँ ना, मम्मी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं खाने दे रही, मामा के यहाँ भी मैंने खिचड़ी उचड़ी खाई है, बस कोई भी मंगोड़े वंगड़े कुछ भी खाने तेल की चीज़ कुछ नहीं खाने दे रही। लेकिन अब फाइनली मैं घर में अकेला हूँ तो मम्मी ने जो बनाया था वो सब मैं खाने जा रहा हूँ, मज़ा आएगा ही। ये रहे हमारे बड़े मुंगौड़े और चनी डाल दिए मैंने और अब खाने जा रहे हैं, मज़ा आएगा। सो गाइस, बड़ा मुंगौड़ा तो खा लिया है, मज़ा आ गया खा के, तो अब जा रहे हैं राशन के यहाँ, राशन की दुकान में, ठीक है। मैंने अपने लिए एक पार्ले जी वाला बिस्किट ले लिया है। वैसे गाइस, मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में या सेकेंड व्लॉग में बोला था कि मेरा फेवरेट बिस्किट टाइगर क्रंच है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मेरा फेवरेट बिस्किट है पार्ले जी। उस दिन तो ऐसे फ्लो फ्लो में निकल गया कि मेरा फेवरेट है वो, मेरा फेवरेट बिस्किट है पार्ले जी, उसको मैंने ले लिया है। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन होने वाली है इसीलिए। We'll be right back.
यहाँ पे इतनी दूर, पता चल रहा है कि राशन कहीं और बट रहा है हमारे वाला, तो अब वहाँ जा रहे हैं। तो फालतू में इतनी बेकार रास्ते से आना पड़ा, अच्छा खासा अच्छे रास्ते से चले जाता मैं, पूरा दिमाग ख़राब हो गया। कीचड़ 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 गाइस, तो 5 बज चुके हैं और 5 बजे मेरे लाइव स्ट्रीम का रहता है, तो जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन देख सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है और मैं अभी बहुत ज़्यादा पीछे हूँ, तो आज तो लाइव स्ट्रीम कैंसिल ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप एक दिन के लिए आप मैनेज कर लोगे, एक दिन के लिए आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मकर संक्रांति बनाओ। ठीक है, तो फाइनली गाइस हमें मिल गया हमारा राशन, मतलब ये है नमक, चने और रिफाइंड है, जैसे मोदी जी ने दिया है, मोदी जी छपे हुए हैं। ठीक है, तो अब फाइनली जाके मिला है, बहुत बहुत बड़ी लाइन थी, 5:21 हो चुका है, तो लाइव स्ट्रीम तो बिल्कुल कैंसिल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा थक भी चुका हूँ मैं। वैक्सीन लगाने के बाद ये सब काम नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं, इतना तो समझ चुका हूँ मैं, बहुत थकान महसूस हो रही थी ठंड के मारे, बिल्कुल पीठ अकड़ चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, अब जा रहे हैं घर में, डायरेक्ट सो जाऊंगा मैं, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर, इतना सारा सामान लेके, तो हमें ये 3 चीज़ मिली हैं, ये रिफाइंड है और ये साबुनदाना मतलब चने और ये है नमक। ठीक है, तो इसे तो मम्मी ने पहले वाले भी रखा हुआ है, लेकिन पहले वाले में मोदी जी बन रखे थे, मैं आपको पहले वाला भी दिखाता हूँ, रुको, बोरा पहले आ जाओ दोनों। हाँ, तो बस इसमें और इसमें फर्क देखें, मतलब सब वही है, बस इसमें लिख रखा है सोच ईमानदार काम दमदार, सोच ईमानदार काम दमदार, इसमें कुछ नहीं लिख रखा। ठीक है, ये ईमानदार नहीं है, ये ईमानदार है, और इसमें मोदी जी और ये योगी जी बन रखे हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं बन रखा। ठीक है, शायद इनको अपनी शक्ल पसंद नहीं आ रही होगी इसमें। ठीक है, तो बस यही कुछ थोड़ा डिफरेंट है, और इसी चीज़ इन्हीं 3 चीज़ के लिए इतनी देर से मैं बेचारा लगा हुआ था, अब मम्मी और मेरा भाई सब लोग मामा वामा के आए हैं, अब मैं अकेला हूँ। तो सुबह आ चुका हूँ वापस से घर, और यहाँ पे भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैं ले आया हूँ वापस दही बल्ले अपने के लिए और चीनी डाल के, जैसे कि मैंने वहाँ पे जाने से पहले मतलब राशन लेने से पहले खाया था, तो अब से खाते हैं, अब फिर इसके बाद सो जाएंगे, है ना। तो गुड नाइट। बोले इतनी इतनी सी चाउमिन लाया मेरे लिए, पता नहीं 5 रुपये की लाया है क्या, तो 10 रुपये की चाउमिन लाया, इतनी इतनी सी कम तो रास्ते में इसने आधी खा लिया, सही बोल रहा है। सो गाइस यहाँ पे बन रही है हमारी मैगी, बड़ी 10 रुपये की बड़ी कम आई है, 10 रुपये की मंगाई थी, अपने लिए मंगाई थी, मम्मी ने उनसे कहा था कि बेटा चाउमीन खा वो समोसे खाएगा या कुछ और, तो मैंने बोला मम्मी आप मुझे 12 रुपये की मैगी दिला दो, बस ख़त्म बात, मेरे ख्याल से पक गई है, अब इसे निकाल लेना चाहिए। सो गाइस अभी हम मैगी खा रहे हैं, मैगी हमारी बन चुकी है, मतलब आधी ख़त्म हो गई, फिर याद आया कि व्लॉग बनाना है, तो माय फेवरेट, बहुत बढ़िया बनी है, मतलब नमक नमक कम है थोड़ा सा, भाई ने बनाई है ना,
मैं तो बहुत अच्छी बनाता हूँ। कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बेस्ट। सो जाए गाइस, अब जा रहे हैं सोने के लिए, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करना पड़ेगा, ठीक है। और इन बीच में थोड़ा सा मैं सोया होया, आराम भी करा, और आज लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाया, थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली पहली बार लाइव स्ट्रीम भी करी। आप मेरे चैनल में जाकर देखना कैसी रही वो लाइव स्ट्रीम स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली, बहुत छोटी छोटी करी थी, ज़्यादा लोग ज्वाइन भी नहीं हुए थे, लेकिन थोड़ा सा मज़ा आया, ठीक है। तो चलो इस लाइव स्ट्रीम को, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस मिलते हैं एक नए व्लॉग पे, बाय। हेलो गाइस, कैसे हो, आशा करता हूँ बहुत सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आई होप आपके सारे फेस्टिवल्स, ये मकर संक्रांति, लोहरी, सब अच्छा तरीके से गया होगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, अभी तक क्या आपको, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छे लगे होंगे, आपने इतना अच्छा प्यार दिया, थैंक यू सो मच उसके लिए दिल से। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले अपने टैक्स चैनल में बता रखा है, ब्लॉग वाले चैनल में बता रखा है कि मेरे पेपर आ रहे हैं 20 तारीख से, तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा मेरे न्यू ब्लॉग के लिए, ठीक है। न्यू ब्लॉग जो होगा वो मेरे उस टाइम आएगा जब या तो पेपर का कोई नया, मतलब कोई आ गया, न्यूज़ आ गया, मान लीजिए पेपर कैंसिल हो गए, ऑनलाइन हो गए, मेरे लिए ईजी हो गया पेपर देना, तो फिर ठीक है मैं बना लूँगा ब्लॉग। लेकिन अगर पेपर ऑफलाइन हुए तो फिर मुझे पढ़ाई वढ़ाई करनी है, तो इसलिए थोड़ा मुझे आपको वेट, थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा मेरे ब्लॉग चैनल को। टेक्स चैनल में तो मैं कोशिश करूँगा कि हमेशा लाइव आने के लिए कोशिश करूँगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के मतलब यूट्यूब की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी अब पढ़ नहीं पा रहा, प्लीज़ अंडरस्टैंड गाइस, थोड़ा सा वेट करिए मेरे न्यू ब्लॉग के लिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, न्यू ब्लॉग बहुत ही जल्दी आएगा, आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाय।